हेलो फ्रेंड्स जो डब्लू एम प्लांट होता है मतलब कि दोस्तों वेट मिक्स प्लांट जिसमें टेन एम mm, एम ट्वेंटी mm एम एम डस्ट और वाटर मिक्स होके निकलता है जो प्लांट्स दोस्तों तो मिक्सर में मिक्स होता है मिक्स होने के बाद में ये जो मटेरियल है कन्वेयर के थ्रू में जाके हमारे हॉपर में लोड होता है हॉपर में आ, हमारा टिपर लगता है हॉपर का नीचे में गेट खोलता है गेट बंद होता है हमारा मटेरियल जो है वो टिपर में जाके हमारे डामर रोड में यूज होता है दोस्तों तो अगर दोस्तों वो जो गेट है गेट नहीं खुलेगा और बंद नहीं होगा तो उसका कारण क्या है आज इस वीडियो में हम जानेंगे मैं उसका ड्राइंग समझाऊंगा आपको उसका लॉजिक क्या है मैं समझाऊंगा अगर दोस्तों हम लोग एक साथ में ओपन और क्लोज बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा प्लांट के अंदर में आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों तो वीडियो को जाने का पहले दोस्तों जान लीजिए मेरा नाम है श्यामल और आपको मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शामल में स्वागत है अगर दोस्तों आप मेरा चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो टेक्निकल शामिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए जैसा कि मैं पहले वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों इस प्लांट को लेकर आपका मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं जरूर उसका जवाब दूंगा आपको अगर दोस्तों आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल रखा हूं उधर जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना देर कर वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए दोस्तों ये है हमारा डब्ल्यू एम प्लांट यानी कि वेट मिक्स प्लांट जिसमें गिट्टी बालू और पानी का साथ में मिक्स होके ये निकलता है उधर से देखिए ये हॉपर है हॉपर में जाके जमा होकर निकलता देखिए प्लांट का ऑपरेटर यह बैठे प्लांट में भाई क्या प्रॉब्लम है बताइए क्लोज ओपन गेट है अच्छा हाँ? अच्छा अभी हम प्लांट को चेक करेंगे देखते हैं ये देखिए दो स्विच है उसका जो कि जो हप्पर रहता है हप्पर का गेट का ओपन का स्विच है ये और हटर का गेट क्लोज का स्विच इस साइड में देखिए कुछ भी प्रेस करने के बाद में हमारा जो दिखाता है आपको अभी देख लीजिए यहाँ है थोड़ा जूम कर लेता हूँ देख लीजिए ये है उसका हप्पर का गेट ये ओपन नहीं हो रहा है कि क्लोज भी नहीं हो रहा है देखिए मैं अभी मिक्सर के पास जा रहा हूँ जो मिक्सर है डब्ल्यू प्लांट का जहाँ नेम प्लेट डाटा लगा हुआ है जो कंपनी का देखिए ये माकन्स कंपनी का है 200 हंड्रेड टी का है जहाँ नेम प्लेट लगा हुआ है दोस्तों वही है उसका मिक्सर है जहाँ हमारा मटेरियल मिक्स होकर सीधा जाके ऊपर में जो हॉपर है वो हॉपर में जाके ये देखिए दोस्तों ये हॉपर में जाके लोड होता है उसके बाद में हम गेट ओपन क्लोज वहाँ से ऑपरेट करेगा तो ये गेट ओपन क्लोज होता है फिर हमारा टिपर में लोड होके जाता है देख लीजिए दोस्तों ये है हमारा जो गेट है नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको देख लीजिए तो देखिए दोस्तों इसके लिए बहुत ऊपर चढ़ना पड़ा देख लीजिए बहुत हाइट में है ये तो फिर ऊपर चढ़ जाता हूँ उसका ऊपर में जो मोटर लगा हुआ है वो मोटर को दिखाने के लिए आपको देख लीजिए बहुत हाइट है दोस्तों डर लगता है फिर भी आपके लिए आ रहा हूँ दोस्तों ऊपर में देख लीजिए ये है उसका हॉपर है दोस्तों ये बेल्ट का थ्रू में कन्वर बेल्ट का थ्रू में यहाँ आके गिरता है जो मटेरियल सब है देख लीजिए ये है उसका हॉपर है देखिए सीधा मिक्सर से मिक्स होकर ये कन्वर बेल्ट का थ्रू में यहाँ आता है तो देख लीजिए ये मोटर जो लगा है दोस्तों इसको हाइड्रोलिक मोटर बोलते हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों इसका आगे में देखिए उसका जो हाइड्रोलिक का साथ में जहाँ हाइड्रोलिक ऑयल रहता है हाइड्रोलिक ऑयल का साथ में जो गियर रहता है उसका साथ में ये फिटिंग होके रहा है दोस्तों हमारा जो मोटर है जब मोटर घूमेगा दोस्तों ये हाइड्रो जो ऑयल है उसको क्या करेगा प्रेशर देगा प्रेशर देगा तो हमारा जो सोनलेट वाल है इस साइड में, में दिखाएगा ये देखिए तार में पावर सप्लाई आता है यहाँ केबल में तो लिमिट स्विच को भी यहाँ थ्रू में आता है दोस्तों ये देखिए यहाँ लगा हुआ है दोस्तों सोनलेट जो वाल के लिए जो सोनलेट वाल लगा है सोललेट वाल के लिए यह सप्लाई यहाँ आता है कनेक्टर है उसका नीचे सोनलेटर लगा हुआ है दोस्तों वहाँ से जैसे हम स्विच प्रेस करेंगे ये सोलट मैगनेट होगा एक एक साइड का ओपन होगा तो उस साइड का गेट खुलेगा या बंद होगा जो साइड का ये कनेक्टर रहेगा उस साइड का वही फंक्शन करेगा वहीं से अभी ये इसमें जो प्रॉब्लम था दोस्तों गेट ओपन नहीं हो रहा था कि क्लोज नहीं हो रहा था तो ये जो कनेक्टर है कनेक्टर को खोल के हम एक बार देखेंगे यहाँ तक हमारा टू ट्वेंटी वोल्ट ए सी सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है तो पहले हम उसको खोल देंगे देखिए दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ ये जो पाइप है ना दोस्तों ये पाइप में हाइड्रोलिक ऑयल जाता है हाइड्रोलिक ऑयल जाने के बाद में गेट ओपन और क्लोज होता है दोस्तों वहाँ सिलेंडर लगा होता है देखिए मैं अभी दिखाता हूँ देखिए ये एक कनेक्टर ये एक कनेक्टर है उसका जहाँ टू थर्टी वोल्ट ए सप्लाई आता है जो स्विच दबाएगा उस साइड का आएगा मतलब ओपन का ओपन साइड आएगा क्लोज का क्लोज साइड आएगा तो हमारा सोलर्ट मैग्नेट होगा तो अभी हमारा जो ऑयल प्रेशर है ऑयल प्रेशर जाके और सिलेंडर में जाके गेट ओपन क्लोज करेगा देखिए हमारा जो हाइड्रोलिक मोटर है अभी स्टार्ट हो चुका है आपको साउंड सुन रहा होगा हाइड्रोलिक मोटर स्टार्ट हो गया है दोस्तों लेकिन अभी ऑपरेटर वहाँ से गेट को ओपन कर रहा है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है इसको बाईपास करने के लिए यहाँ दिया हुआ है उसको प्रेस करेगा तो हमारे जो सनलेट है वो सनलेट क्या होगा ओपन हो जाएगा देख लीजिए दोस्तों उसका वाल ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद हमारा गेट खुलता है नहीं खुलता है? दिखाता हूँ देखिए दोस्तों हमारा गेट खुल गया है उसको प्रेस करने के बाद यानी कि हमारा गेट जो... ओपन नहीं हो रहा है तो, दोस्तों तो इस साइड को एक बार प्रेस करेंगे देखिए दोस्तों वहाँ से प्रेस करने के बाद में हमारा जो गेट है वो गेट क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैं दिखाता हूँ वहाँ से एक आदमी को मैं बोला है प्रेस करने के लिए प्रेस करेगा देखिए देखिए दोस्तों धीरे 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 क्या है हमारा गेट क्लोज हो रहा है तो यानी कि हमारा जो स्विच है दोस्तों वो स्विच काम नहीं कर रहा है कि पावर सप्लाई नहीं आ रहा है कहाँ हुआ है कहाँ पर तो अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा ड्राॅइंग का साथ में दोस्तों तो एक बार क्या करेंगे दोस्तों उसका जो पावर सप्लाई हो पावर सप्लाई को एक बार चेक कर लेंगे तो पावर सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है तो देख लीजिए दोस्तों मैं आप लोगों को जो सोलट है सोललेट को खोल के आपको दिखाता हूँ सोनेट कैसा दिखता है ये सोलट वाल कैसा काम करता है मैं आपको बताता हूँ देख लीजिए सोलट को मैं खोल दिया हूँ दोस्तों तो आपको अभी दिखाता हूँ सोलेट कैसा दिखता है देख लीजिए सोलट क्या होता है मैग्नेट होने के बाद यहाँ देख लीजिए ये तो सोनलेट है सोनलेट का तीन लीड है एक आर्थिंग के लिए दो पावर सप्लाई के लिए फेज के लिए न्यूट्रल के लिए दोस्तों ये जो है उसका बीच में जो होल है वो होल में वो वाल ऑपरेट होता है ये मैग्नेट होने के बाद में तो अभी डायग्राम में समझ लेते हैं देखिए दोस्तों उसका जो कंट्रोलिंग है मैं बताता हूँ ये देखिए दोस्तों इसको हप्पर बोलते हैं ये जो ऊपर में ये हप्पर में आकर माल जमा होता है तो ये हमारा हाइड्रोलिक मोटर है ये हाइड्रोलिक जो ऑयल भरा रहता है ये सोनलेट है दोनों का तो ये एक एमसीबी लिया है ये पुश बटन दो लिया है दोस्तों दो पुश बटन में हमारा एनओ लगा हुआ है एन लगा हुआ है एक साथ में दोस्तों दोनों लगा हुआ है जो कंडक्टर कनेक्ट पॉइंट दोस्तों ये हमारा रिले है दोस्तों जो कि टू थर्टी वोल्ट में ऑपरेट होता है एन सी पॉइंट है एनओ पॉइंट है, है उसका ऊपर में जैसा कि दोस्तों एनओ एन आप अगर समझे होंगे तो ये जो डायग्राम को आप समझ जाएगा आसानी से तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों इसके लिए इसको देखिए फेज न्यूट्रल चाहिए हमको कंट्रोलिंग के लिए दोस्तों उसका अंदर में एक छोटा ट्रांसफार्मर लगता है ट्रांसफॉर्मर से स्टेप डाउन होकर जो टू थर्टी वोल्ट आता है दोस्तों वो टू थर्टी वोल्ट से हम एक काम कर सकते हैं जो टूपल एम सी वी है एम सी वी के थ्रू में जो फेज है फेज तो हम ये दोनों जो स्विच है वो स्विच को लेना पड़ेगा दोस्तों स्विच को लेना पड़ेगा मतलब कि जो हाँ एन सी पॉइंट है ये एन सी पॉइंट में दोनों एक फेज को पूरा एन सी पॉइंट में डालना पड़ेगा जो ओपन का और क्लोज का जो स्विच है दोस्तों उसका बाद में क्या करेंगे दोस्तों इसका जो एन सी पॉइंट से उसका एन ओ पॉइंट के लेना पड़ेगा और उसका एन सी पॉइंट से इसका एनओ पॉइंट के लेना पड़ेगा मतलब कि जो ओपन का जो एन सी पॉइंट्स है हमें क्लोज का एनओ पॉइंट को लेना पड़ेगा पड़ेगा और क्लोज का एनसी पॉइंट से ओपन का एन ए पॉइंट के लेना पड़ेगा दोस्तों पहले वो इंटरलॉकिंग में चलेगा दोस्तों पहले एक बार अगर दो स्विच दबा देगा तो कुछ नहीं होगा वो हमारा कुछ भी जो भीट है वो ऑपरेट नहीं होगा दोस्तों देख लीजिए पहले हम जो स्टोरेज हॉपर गेट ओपन का जो पुश बटन है वो पुश बटन का एनसी पॉइंट को हम एक फेस ले लिया है एनसी का जो आउट पॉइंट है आउट पॉइंट जाके स्टोरेज हॉपर गेट जो क्लोज है क्लोज का जो एनओ पॉइंट है एनओ में जाएगा जैसा हम एनओ प्रेस कर ये पावर सप्लाई क्या करेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा तो क्या करेंगे दोस्तों तो दो रिले है वो रिले का थ्रू में हम लेना पड़ेगा कहले वो रिले को हम लिमिट स्विच का साथ में रखेंगे जैसा हमारा गेट ओपन क्लोज होगा वो रिले ऑपरेट होगा तो हमारा जो पावर सप्लाई है सोलनेट का और का पावर सप्लाई कट हो जाएगा देखिए मैं जैसा बोला था एक जो पावर सप्लाई है पावर सप्लाई क्या करेगा जो गेट क्लोज का जो एन सी पॉइंट है उसको ले कर आएंगे जो फेस है उसका बाद में गेट ओपन का जो एनो पॉइंट है वो एनओ पॉइंट को ले लेंगे देखिए इसका जो हो गया स्विच के पास में इसका बाद में जो कनेक्शन है मैं अभी बताता हूँ रिले का थ्रू में हम कैसे सोनलेट जो कॉयल का पावर सप्लाई को कैसे ले कर देख लीजिए दोस्तों ध्यान से देखिए अभी क्या करेंगे ये जो ड्राइंग में ये ड्राइंग में हम अभी ओपन का स्विच को प्रेस करेंगे देख लीजिए एक बार ओपन का स्विच को प्रेस करते हैं हम जैसा ओपन स्विच हम प्रेस करेंगे ओपन स्विच प्रेस करेंगे तो ये जो फेज है वो फेज इसका थ्रू में एनो का थ्रू में पास करेगा फेज पास करने बाद जो रिले है रिले का जो एन पॉइंट है मतलब कि नॉर्मली क्लोज रहता है वो जो पॉइंट वो पॉइंट का थ्रू में हम लगाएंगे वो पॉइंट का थ्रू में क्या होगा तो दूसरा पॉइंट वो भी एनसी पॉइंट है उसका थ्रू में पावर सप्लाई हमारा क्या होगा पास करेगा आगे में जो फेज पॉइंट फेज पॉइंट पास करेगा तो जो सोनलेट लगा होगा जो गेट ओपन के लिए जो सोनलेट हम लगाया होगा वो सोनलेट का एक पॉइंट में हम ये फेज को दे देंगे मैं मैंसन कर देता हूँ दोस्तों ये फेज है बोल के देख लीजिए उसका बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों हमारे जो सोनलेट को ऑपरेट करने के लिए हम खाली फेज दे दिया है लेकिन वो तो टू ट्वेंटी टू थर्टी वोल्ट सिंगल फेज में चलने वाला है तो उसको न्यूट्रल चाहिए ना उसको हम क्या करेंगे अभी न्यूट्रल का पॉइंट उसको कनेक्ट करेंगे देख लीजिए ये है हमारा न्यूट्रल पॉइंट हम मेंशन कर दिया जो सोनलेट में हम न्यूट्रल पॉइंट डाल देते हैं दोस्तों जैसा हम ओपन का स्विच प्रेस किया है इसका थ्रू में जो पावर सप्लाई हमारे सोनेलेट तक सोनलेट जो वाल है सोनलेट कायल है उस तक पहुँच गया उस तक पहुँच गया तो हमारा पहले से हाइड्रोलिक मोटर चालू रहता होगा तो क्या होगा दोस्तों हमारा सोनलेट कॉयल जो होगा वो क्या करेगा जो हाइड्रोलिक पाइप का जो ऑयल जाने के लिए वो वाल को ओपन करेगा जैसा ओपन करेगा ये देखिए दोस्तों ये मेंशन करता हूँ ये पाइप है ये पाइप क्या होगा सिलेंडर में लगा होता है तो देखिए दूसरा जो सोनलेट का पाइप भी मैं लगा देता हूँ अभी देख लीजिए दोस्तों ये पाइप है दूसरा जो सोनलेट का जो वाल से जो पाइप कनेक्ट रहता है सिलेंडर में वो नीचे का तरफ में रहता है दोस्तों एक सिलेंडर में हम दो पाइप लगा दिया दोस्तों एक ओपन के लिए चलेगा एक क्लोज के लिए चलेगा देख लीजिए दोस्तों जैसा हम ओपन स्विच प्रेस किया ओपन स्विच प्रेस किया तो ये सुन लेते हमारा मैग्नेट हुआ मैग्नेट होने के बाद ये क्या होगा हमारा वही ये ओपन हो जाएगा जैसा ओपन होगा हम एक लिमिट स्विच लगा रखा है वहाँ देख लीजिए लिमिट स्विच में जाके क्या होगा उसका उसका जो लिमिट स्विच में टकराएगा टकराएगा तो उसका जो फ्लेंजर रहता होगा उसको क्या करेगा प्रेस करेगा प्रेस करेगा तो हमारे जो लिमिट स्विच है दोस्तों ये क्या होगा लिमिट स्विच का जो कनेक्शन रहता है वो ओपन में रहता है हर टाइम में ये जगह में हम ओपन में रखे हैं तो ओपन में रहेगा मतलब इनो में रहता है दोस्तों क्या करेंगे उसके लिए एक फेज दौड़ाना पड़ेगा हमको रिले का साथ में कनेक्शन करने के लिए रिले को मैग्नेट करने के लिए देख लीजिए दोस्तों हम जो फेज फेज पॉइंट वहाँ से उठा सकते हैं यहाँ से भी उठा सकते हैं जो फेज पॉइंट को क्या करेंगे हम फेज पॉइंट को ले हम जो हमारा रहता है जो लिमिट स्विच लिमिट स्विच को एक पॉइंट में मतलब एनओ पॉइंट में कनेक्ट करेंगे दूसरा जो एनओ पॉइंट से हम जो पावर सप्लाई फेज जो फेज का जो तार है लीड है उसको निकाल के लाके हमको जो रिले का कॉयल पॉइंट रहता है रिले का कोईल पॉइंट गौर से देखिए दोस्तों ये रिले का कोईल पॉइंट है रिले का कॉयल पॉइंट में हम लगा देंगे जैसा हमारा जो लिमिट स्विच ऑन होगा एक्टिव होगा एक्टिव होगा मतलब कि उसमें जैसा जाकर हमारा गे गेट ओपन होगा ओपन होगा तो हमारा लिमिट स्विच एक्टिव होगा एक्टिव होगा तो एनओ क्या होगा एन हो जाएगा एन होगा तो जो फेज ओयर हो फेज ओयर यहाँ आके हमारे रिले तक सप्लाई आएगा तो रिले

ये न्यूट्रल है वायर बोल के आप कंफ्यूज ना होगा बोल के तो लिख दिए है उसको मेंशन हो गया दोस्तों ये न्यूट्रल वायर हो बोल के उसका बाद में अभी हम आपको दिखाते हैं क्या करना पड़ेगा उसका अंदर में देख लीजिए जैसा गेट ओपन हुआ गेट ओपन होने के बाद में इसको प्रेस किया प्रेस करने के बाद ये क्लोज हुआ क्लोज होने के बाद लिमिट स्विच क्या होगा हमारे रिले को आया रिले हमारा एक्टिव हुआ मतलब कि ऑन हो गया ऑन होगा जैसे ऑन होगा दोस्तों जो एन पॉइंट होगा एन पॉइंट क्या होगा एनओ हो जाएगा एनओ हो जाएगा जो सोनलेट का पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई कट हो जाएगा कट हो जाएगा तो दोस्तों सिलेंडर का थ्रू में हमारे जो ऑयल आता होगा ऑयल प्रेशर बंद कर देगा इसको बंद करेगा तो हमारा जो गेट है गेट जितना भी ओपन होना ओपन हो जाएगा इसको जैसा हम प्रेस करेंगे क्लोज स्विच को देख लीजिए क्लोज स्विच प्रेस करने के बाद में एनओ का थ्रू में पावर सप्लाई पास करेगा पास करके जो दूसरा रिले है दूसरा रिले का जो एनसी पॉइंट रहता है नॉर्मली क्लोज पॉइंट वो क्लोज पॉइंट को हमको कनेक्शन करना है इसमें कनेक्ट करने के बाद में इसका जो दूसरा पॉइंट से हम लेके जो सोनल रहता है दोस्तों देखिए जो क्लोज के लिए जो सोलैट रहता है वो क्लोज के लिए जो सोलैट का जो पॉइंट रहता है सप्लाई के लिए वो पॉइंट में लगा देंगे देखिए ये फेज जो है वो पॉइंट में लग गया दोस्तों लगने के बाद में क्या होगा दोस्तों ये हमारा एक्टिव हो जाएगा जो सोनल क्लोज का सोनलर्ड दोस्तों देख लीजिए ध्यान से ये क्या होगा ये क्लोज होने लगेगा जैसा क्लोज होगा मैं अभी उसका सिस्टम आपको बताता हूँ दोस्तों ये लिमिट स्विच है इसका जो पॉइंट है ये पॉइंट से भी हम एनओ से भी हमारा जो रिले का कोयल सप्लाई जैसा हम इसमें कनेक्ट किया है उसमें ऐसा भी कनेक्ट करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ दोस्तों देख लीजिए ये एनओ पॉइंट में रहता है तो क्या करेंगे दोस्तों जो फेज सप्लाई हमारा जाके जो लिमिट स्विच पहला नंबर लिमिट स्विच को गया Ooh. वहां से हम फेज जो सप्लाई है वो सप्लाई को उठाएंगे देख लीजिए एमसीबी से, 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 से डायरेक्ट है दोस्तों उसको यहाँ उठा के डालेंगे और जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट से हम उठा के लेके जो रिले का पॉइंट रहता है जो सेकेंड नंबर रिले जो क्लोज के लिए हम रिले लगाया है वो रिले का पॉइंट तक हम उसको लेना है देख लीजिए दोस्तों ध्यान से कैसा भी लेके हम उसको रिले का पॉइंट तक पहुँचाएंगे देख लीजिए अभी हम जो फेज वायर हो, हो फेज वायर को लेके जो रिले का जो कॉयल पॉइंट रहता है जो हाँ टू थर्टी वोल्ट हमारे रिले को चाहिए वहाँ तक हम लेके उसको पहुँचा दिया है दोस्तों देख लीजिए यहाँ पहुँचा दीजिए पहले से न्यूट्रल मिला है इसको फेस मिल जाएगा। जैसे हमारा क्लोज लिमिट स्विच एक्टिव होगा तो रिले ऑन हो जाए रिले ऑन होगा तो जो सोनेट का पावर सप्लाई यहाँ से कटअप हो जाएगा देख लीजिए ये यहाँ कटअप होगा तो हमारा जो लिमिट स्विच लगा है वो ऑन होने के बाद यहाँ कटअप हो जाएगा तो हमारा गेट जितना में क्लोज होना है उतना में क्लोज होकर रहेगा दोस्तों तो एक साथ में अगर दोस्तों हम दोनों स्विच को प्रेस करेंगे ओपन और क्लोज को देख लीजिए जैसा प्रेस करेंगे तो किसी को भी पावर सप्लाई नहीं मिलेगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा देखिए दोस्तों ये जो पावर सप्लाई है ये इंटरलॉकिंग में हम कनेक्शन कर दिया है तो किसी को पावर सप्लाई नहीं मिलेगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी हमारा ओपन नहीं होगा ना क्लोज नहीं होगा एक साथ में अगर प्रेस करेगा तो हम ये दोनों स्विच को देख लीजिए दोस्तों आपको डायग्राम समझा है अगर आपको इसमें कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमारा गेट ओपन नहीं होगा ना क्लोज भी नहीं होगा

जैसा कि मैं बाईपास में आपको दिखाया था पहले कैसे क्लोज कराना है प्रेस तो लिमिट स्विच में प्रॉब्लम था दोस्तों लिमिट स्विच का आगे का हिस्सा में प्रॉब्लम था जैसा कि ऑन होकर रहता था तो ये ऑफ नहीं होता था वापस नहीं आ रहा था तो इसके लिए हम उसको खोल देते हैं देख लीजिए दोस्तों नज़दीक से गेट देखिए दोस्तों इसका साइड में ये क्लोज का लिमिट स्विच है मैं जैसा डायग्राम में बताया था ऐसा ही है क्लोज का लिमिट स्विच है तो जहाँ ओपन होने का लिमिट स्विच में प्रॉब्लम है देखिए दोस्तों ये ओपन का इस जो लॉक है आगे का पूरा हिस्सा हम खोल दिया है उसको चेंज कर देंगे नया का खोल के दोस्तों एक नया लिमिट स्विच हमारे पास मौजूद था दोस्तों अगर आपका पास नहीं होगा तो उसको ग्रीसिंग करके आप लगा सकते हैं देखिए दोस्तों ये ख़राब हो चुका है दोस्तों इसलिए रिटर्न नहीं आ रहा था उसका जो लॉक है देख लीजिए उसको खोल के हम वापस फिर वही जगह में फिट करेंगे तो इसलिए दोस्तों हमारा जो पावर सप्लाई है ना वो पावर सप्लाई ऊपर तक तो पास नहीं कर रहा था कि हमारा जो रिले है वो रिले क्या होता है एक्टिव होकर रहता था इसलिए हमारा जो पावर सप्लाई हो पावर सप्लाई पास नहीं देखिए लिमिट स्विच का आगे का हम खोल के इसमें चेंज कर देते हैं देख लीजिए दोस्तों इसका आगे का जो लॉक सिस्टम है लॉक सिस्टम ठीक है फ्री है एकदम फ्री है इसलिए हम इसको लगाते हैं इसमें उसका जो लिमिट स्विच का ख़राब हो गया उसको हम ग्रिस करके फिर वापस से रखें ये जब ख़राब होगा फिर उसमें लगाने का लायक होगा तो लगा देंगे उसमें अगर दोस्तों आप ऐसा इलेक्ट्रिकल वीडियो के साथ जुड़े रहना चाहते तो टेक्निकल सामल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए एंड साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए जैसा कि मैं पहले वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा देखिए दोस्तों इसको एकदम से बढ़िया से टाइट कर दीजिए काे कि उसका जो लॉक है वो लॉक अच्छा से काम कर सके इसलिए उसको बढ़िया से टाइट करना जरूरी होता है दोस्तों देख लीजिए देख लीजिए इसका जो फ्लंजर है उसको थोड़ा घुमा कर देखें तो एकदम फ्री है वापस आ रहा है दोस्तों देख लीजिए अभी हम ऑपरेटर को बोलते हैं ऑपरेटर चालू करेगा वहाँ से हम गेट ओपन क्लोज हो रहा है नहीं हो रहा है आपको यहाँ से दिखाते हैं देख लीजिए देख लीजिए अभी मोटर स्टार्ट हुआ है ऊपर में हाइड्रोलिक मोटर अभी देखिए दोस्तों अभी गेट को ओपन करेगा ये क्लोज में है देखिए धीरे धीरे गेट ओपन हो रहा है दोस्तों देख लीजिए ये है हमारा सिलेंडर जैसा डायग्राम में मैं दिखा था देखिए ये हमारा ओपन तो देख लीजिए गेट हमारा ओपन हो चुका है मैं अभी गेट को दिखा देता हूँ देख लीजिए सिलेंडर में देखिए दोस्तों गेट आके हमारे लिमिट स्विच में टच हो गया है टच होने के बाद में देखिए ये गेट पूरा ओपन हो चुका है दोस्तों देख लीजिए ये गेट है पूरा खुला है गेट ओपन होने बाद में देखिए जो लिमिट स्विच हम निकाला था देखो ये रिटर्न नहीं आ रहा था इसका वजह से हमारा जो ओपन हो रहा था तो क्लोज भी नहीं हो रहा था क्लोज हो रहा था ओपन भी नहीं हो रहा था इसका वजह से दोस्तों यही उसका कारण है देखिए ये गेट हमारा ओपन हो चुका है अभी क्लोज करते हैं वहां से बोले हैं ऑपरेटर को क्लोज करने के लिए देखिए हमारा गेट क्लोज हो रहा है जो प्रॉब्लम था दोस्तों ये लिमिट स्विच से था डायग्राम में मैं आपको समझाया ये के पास में एक बार वोल्टेज चेक कर लेते देखिए दोस्तों जो वोल्टेज नहीं आ रहा था अभी वोल्टेज आ रहा है दोस्तों देख लीजिए और एक बार दिखा देता हूँ जो सोनेट के पास से देखिए ये वोल्टेज बराबर है यानी कि हमारे लिमिट स्विच का पास से ये हमारा प्रॉब्लम कर रहा था देख लीजिए दोस्तों ठीक हो गया तो अभी नीचे से दिखा देता हूँ देखिए दोस्तों ओपन था अभी क्लोज कर रहा है गेट को वहाँ से ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है जैसा हमारा लिमिट स्विच में आके टच होगा गेट गेट टच होने के बाद बंद हो गया दोस्तों फिर ओपन करेगा जैसा जाके हमारा ओपन का लिमिट स्विच में टच होगा तो हमारा जो गेट है गेट बंद हो जाएगा देखिए गेट बंद हो गया दोस्तों यही उसका प्रोसेस था मैं डायग्राम में आपको समझाया अगर कुछ डाउट रहेगा इसके वीडियो के अंदर में तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते दोस्तों अगर दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखें तो आपको अशेष अशेष धन्यवाद दोस्तों